मतलब कि अफ्रीका के आप रेसिस्ट हो, अफ्रीका के लोगों को गलत बोलते, अफ्रीका के लोग अच्छे हैं लेकिन इनके इमिग्रेशन ऑफिस वाले या फिर पुलिस वाले इतने ज़्यादा करप्ट हैं ना, इतने ज़्यादा करप्ट, ऐसा अपने इंडिया में 50 साल पहले भी नहीं होता होगा और मेरे को लगता नहीं है किसी देश में कभी होता भी होगा ऐसा। बोलता हूँ आप सभी को कि इंडिया के लोग यहाँ पर इतने हैं कि आप कहीं भी जाओ सड़कों पे पत्थर फेंकोगे तो इंडिया के बंदे के ऊपर ही गिरेगा। भाई सच में बिल्कुल बस वाला हाल है। देखो जैसे कि बस स्टॉप पे बस रुकती है तो ड्राइवर क्या करता है, नीचे उतर के इधर उधर घूमने लग जाता है, जिस जिन लोगों को उस बस स्टेशन पे जानता है ना उनसे बातें करने लग जाता है। ये देखो पायलट हमारा, ये जो तेल डालने आया है प्लेन में उससे बातें मार रहा है। हेलो गुड मॉर्निंग गाइस, एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। एक अच्छे दिन की शुरुआत करते हैं। आप सभी को पता ही है कि आखिरी वीडियो से आप देख रहे हो, मैं जा रहा था जिम्बाब्वे, मोजाम्बिक देश से एग्जिट करके जिम्बाब्वे में एंट्री लेनी थी लेकिन वहाँ पर एंट्री नहीं हुई तो फिर मैं वापस आ गया था और आज मैं जा रहा हूँ एयरपोर्ट। और सुबह के बजे हैं लगभग 4:32 और मेरी फ्लाइट है 7 बजे की। मैं इतनी जल्दी इसलिए जा रहा हूँ, मैं नहीं चाहता कि कोई और दिक्कत हो क्योंकि मोजाम्बिक के वीज़ा का मेरा आज आखिरी दिन है। आज है 13 तारीख और आज के दिन 13 तारीख को ही मेरा वीज़ा ख़त्म हो रहा है तो आज मुझे इस देश से निकलना ही पड़ेगा। अभी मैं हूँ बेरा सिटी में मोजाम्बिक की, जो कि बिल्कुल नॉर्थ से, नॉर्थ में भी नहीं, बिल्कुल मोजाम्बिक देश के बीच में पड़ती है और बिल्कुल कोस्ट के ऊपर। और बेरा से मैं जाऊँगा पेम्बा, पेम्बा से दरे सलाम और दरे सलाम से जानजीबार। मैंने डिसाइड किया कि काफ़ी टेंशन हो गई थी इसलिए थोड़े दिन रिलैक्स करेंगे, जानजीबार आइलैंड पे वाइट सैंड बीच पे थोड़े दिन रेस्ट करेंगे फिर आगे निकल जाएंगे किसी और देश में। अभी तक मेरा कोई प्लान डिसाइडेड नहीं है तो चलो अभी निकलते हैं यहाँ से एयरपोर्ट के लिए चलते हैं। कल वाली वीडियो में मैंने आपको बताया हुआ था बाहर टैक्सी वाले बंदे का, मैं नंबर लेके आया था, उसे फ़ोन कर लूँगा कि सुबह 4 बजे, पर लेकिन उस बंदे ने फ़ोन नहीं उठाया। भाई जैसा मैंने सोचा था वैसा ही हुआ। मेरी मतलब कि लाइफ में बिना प्रॉब्लम के ना कोई सीधा सीधा काम हो नहीं सकता है। तो चलो अभी बाहर जाके देखते हैं कोई और टैक्सी मिलती है या नहीं मिलती है, एयरपोर्ट के लिए निकलते हैं क्योंकि जल्दी निकलना ज़रूरी है, आखिरी दिन है, कोई दिक्कत ना हो और जो भी अगर दिक्कत हो तो टाइम हो अपने पास वो प्रॉब्लम सॉल्व करने का। ये बेरा गया एयरपोर्ट है, पहुंच गया हूँ और ये भाई था। ओके अमीगो, चाओ चाओ बाय। ये भाई था जिसने मुझे छोड़ दिया एयरपोर्ट पे और इसको मैंने 200 दे दिए, 150 मांगे थे बेचारे ने पर मेरे पास बचे हुए थे, मैं क्या ही करता, अब दे दिए बेचारे को। तो चलो भाई फाइनली पहुंच गए, अपनी जर्नी को शुरू करते हैं। अब मैं सच में सही बताऊं आज तक मेरी ज़िंदगी में इतना नर्वस नहीं हुआ एयरपोर्ट जाने के लिए जितना आज हो रहा हूं क्योंकि बहुत ट्रैवल किया है यार। फिर भी मतलब तंजानिया का वीज़ा भी ऑन अराइवल है, वहां जाकर ये बोल दे कि नहीं देंगे एंट्री तो फिर वैसा ही हाल हो जाएगा ना जैसा जिम्बाब्वे वाला हुआ है। तो चलो अभी पता नहीं है, देखते हैं क्या होगा। अभी अंदर घुसते हैं एयरपोर्ट के और लेते हैं फ़्लाइट। अभी तो लगभग 5 ही बजे हैं और है तो फ्लाइट 7 बजे की और मौसम देखो यार क्या ज़बरदस्त। यहाँ के अफ्रीका के सनराइज़ आप कभी भी देख लेना, कहीं पे भी सुबह सुबह उठोगे ना पूरा जो स्काई है ना आपको ऑरेंज कलर का दिखेगा। यहाँ तो फिर भी मैं थोड़ा दूर हूँ समंदर से, अगर मैं समंदर के पास होता ना वहाँ पे देखो कितना सुंदर दिख रहा होता। तो चलो अभी अंदर घुसते हैं। ये देखो ऐसा लग रहा है कि कोई अबेंडन एयरपोर्ट में आ गया हूँ। दुनिया के एयरपोर्ट खाली आपको सिर्फ अफ्रीका में दिखेंगे। आज तक मैं बहुत देशों में गया हूँ, लगभग 15 देशों में चला गया, कितनी फ्लाइट ले ली मैंने, लेकिन इतना खाली एयरपोर्ट मैंने आज तक नहीं देखा। ये देखो एक बंदा भी दिख जाए तो आप मेरे को बता दो, कहीं पे भी एक बंदा भी नहीं है, एक सिंगल बंदा भी। अब मैं करूँ तो करूँ क्या, सुबह जल्दी आने का फ़ायदा क्या हुआ मुझे जब यहाँ पर कोई मिलना ही नहीं था। भाई आप सबने ना दुनिया में सब लोगों को कहते हुए सुना होगा कि कभी भी अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए और सब लोग कहेंगे, और जितना बंदा अमीर होगा और जितना बड़ा बंदा होगा ना ये बोलेगा कि नहीं अमीर और गरीब में भेदभाव नहीं करना चाहिए। और सामने देखो आप,
वो लोग की लाइन है वो इकोनॉमी वालों की लाइन है, और ये बिजनेस क्लास और फर्स्ट क्लास वालों की लाइन है। अब भेदभाव देख लो कितना, मतलब कि कोई ज़्यादा पैसे दे के जा रहा है तो उसके लिए रेड कारपेट बिछा रखा है, और स्पेशल लाइक ये गोल्डन कलर वाले डंडे लगा कर उनकी लाइन बना रखी है। और इधर देखो, कोई इज्जत नहीं है दूसरों की। वैसे कोई फ़र्क तो नहीं पड़ता इस चीज़ से, पर लेकिन फिर भी यार क्यों शोर शराबा करना कि ठीक है कोई बंदा पे कर रहा है तो उसके लिए तुम अलग लाइन बना दो, फर्स्ट क्लास लिख दो यहाँ पर लेकिन ये चीज़ करने की क्या जरूरत है? और फिर सब लोग बात करते हैं, कहते हैं कि भेदभाव नहीं करना चाहिए अमीर और गरीब में। भेदभाव तो आपको हर जगह दिखेगा और कभी ये दूर हो भी नहीं सकता, कभी भी दूर नहीं हो सकता। इक्वालिटी इस दुनिया में कभी नहीं आ सकती। जो बंदे ये सोचते हैं कि एक दिन आ जाएगी, वो एक दिन तो या तो 1 लाख सालों के बाद आ जाए, पर लेकिन अगले 1 लाख सालों तक इक्वालिटी तो नहीं आने वाली इस दुनिया में। बोर्डिंग पास मिल गया है और दरे सलाम का भी बोर्डिंग पास मिल गया है, दोनों का। यहाँ पर इमिग्रेशन नहीं होती क्योंकि ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट तो है कहने को, लेकिन यहाँ पर ये इमिग्रेशन नहीं करते। यहाँ पर सिर्फ इन्होंने मेरे को टिकट दी है, बोर्डिंग पास दिए हैं। पेम्बा में जो अगला मेरा स्टॉप है वहाँ पर इमिग्रेशन होगी, और इन्होंने अभी बताया कि एक टेक्निकल स्टॉप है नामपूला में भी। मेरे को समझ नहीं आया भाई क्यों टेक्निकल स्पोर्ट किस चीज़ का है, मेरी फ़्लाइट में तो दिखा नहीं रहा था। चलो कोई बात नहीं, सामने देखो वो प्लेन खड़ा है ना, छोटा सा प्लेन, वो प्लेन है। और ये अगर आपको पीछे दिख रहा हो मेरे, ये पुलिस वाला मेरे को भाई सिक्योरिटी चेक की यहाँ पर, पुलिस वाला अंदर कमरे में लेके गया, मतलब छोटा सा कैबिन बना हुआ, कहता है सामान दिखाओ, मतलब कि एक एटीट्यूड में बात कर रहा। मुझे उसी टाइम पता चल गया कि ये मेरे से पैसे मांगेगा, पर लेकिन मुझे वो स्टूपिड टूरिस्ट प्ले करना आता है। कोई भी देश में जाओ ना आप, मतलब कि इंग्लिश बोलते हो वो देश तो चलो अलग बात है, लेकिन मोजाम्बिक देश में मेरी ट्रिक आसानी से काम करेगी। आप भी यही कर, यहाँ पर पुर्तगीज बोली जाती है, इन लोगों को किसी को इंग्लिश नहीं आती कोई भी, यहाँ तक कि इमिग्रेशन ऑफिसर भी होगा ना उसको भी इंग्लिश नहीं आती होगी। रेयरली कोई बंदा मिलेगा आपको इंग्लिश बोलता हुआ इस देश में। और ये पुलिस वाला मेरे को बोलता, कुछ बोल रहा मेरे को समझ आ रहा, कह रहा कि सामान निकाल और पैसे मांगने की कोशिश कर रहा। मैंने कहा नो फॉलो पुर्तगीज, नो फॉलो पुर्तगीज का मतलब कि मुझे पुर्तगीज नहीं आती। और ये बंदा अंदर जाके मुझे फिर ट्रांसलेट करके दिखा रहा है कि माई फ्रेंड गिव मी मनी आई एम हंगरी। मैं क्या यार, तुम शर्म कर लो भाई। और फिर कहते हैं लोग, मतलब कि अफ्रीका के आप रेसिस्ट हो, अफ्रीका के लोगों को गलत बोलते, अफ्रीका के लोग अच्छे हैं लेकिन इनके इमिग्रेशन ऑफिस वाले या फिर पुलिस वाले इतने ज़्यादा करप्ट हैं ना, इतने ज़्यादा करप्ट, ऐसा अपने इंडिया में 50 साल पहले भी नहीं होता होगा, और मेरे को लगता नहीं है किसी देश में कभी होता भी होगा ऐसा। पुलिस वाले करप्ट है इंडिया में, कोई इक्कू दुक्कू मिल जाता है जो रिश्वत लेता हो। यहाँ पर हर एक पुलिस वाला, एक मजाक नहीं कर रहा मैं, आप 100 का नोट देके पुलिस वाले को चेक कुछ भी कर दो, कुछ भी कर दो। मेरी जिम्बाब्वे में एंट्री नहीं हुई ना, मेरी जिम्बाब्वे में एंट्री इसलिए नहीं हुई क्योंकि मैं रिश्वत देने को तैयार नहीं था। अगर मैं रिश्वत दे देता 100% एंट्री हो जाती, 100% एंट्री, कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैंने उनके साथ लड़ाई कर ली, लड़ाई तो नहीं मतलब कि बहस कर ली कि क्यों मुझे वीज़ा, चलो उस चीज़ को छोड़ो, मैंने पहले वीडियो में बता रखा है। मतलब कि भाई इंडिया के 20 रुपये क्या चीज़ है, मतलब कि एक बच्चे को दो वो भी खुश नहीं होता है, लेकिन यहाँ के पुलिस वाले खुश हो जाते हैं 20 रुपये से। वो तो बुरी हालत है यहाँ, इसीलिए मेरे को डर लगता है यहाँ पर कि ये अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं। अगर इनको रिश्वत नहीं दी ना तो ये मना कर देंगे और इनका कुछ आप कर भी नहीं सकते, ये दिक्कत है बस यहाँ पर। वो देखो सामने अपना छोटा सा प्लेन खड़ा, मौसम देखो कितना खराब हो गया, अभी बारिश हो रही है सही बताऊं, बिल्कुल अगर आपको दिखेगी नहीं कैमरे में लेकिन बूंदे गिर रही है, अगर मेरी शर्ट पे कहीं दिखती है तो आप देख लो, बिल्कुल छोटा सा प्लेन है आप देख ही सकते हो सामने, और इसके ऊपर से आपको चल के इस लाइन में जाना है। चलो अंदर बैठते हैं प्लेन के अंदर, आपको दिखाते हैं कि कैसा एक्सपीरियंस रहता है। वैसे छोटे प्लेन में लोगों को डर लगता है क्योंकि छोटा प्लेन हिलता ज्यादा है हवा में। चलो देखते हैं अब लैंडिंग और टेक ऑफ के टाइम कैसा एक्सपीरियंस रहता है, क्योंकि लोगों को काफी ज्यादा डर लगता है मैंने सुना है, क्योंकि मैं आज तक वैसे गया नहीं हूँ छोटे प्लेन में, पर अब देखते हैं कैसा रहता है एक्सपीरियंस। बिल्कुल छोटा सा प्लेन है भाई, देखो मेरा तो ऊपर सिर भी टच हो रहा है, देखो बिल्कुल पहली बार एक्सपीरियंस कर रहा हूँ मैं ऐसे छोटे प्लेन का, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। बंदी है तो भी है। अरे यार।
प्लेन चल पड़ा है भाई अभी। छोटे प्लेन में मैं पहली बार बैठा हूँ और मेरे को था कि डर लगेगा छोटे प्लेन में, लेकिन इंडियन भाई मिल गए अपने हैदराबाद से है भाई, गिरीश भाई ना, ये यहाँ मोजाम्बिक में रह रहे हैं 9 साल से पिछले। इसीलिए मैं बोलता हूँ आप सभी को कि इंडिया के लोग यहाँ पर इतने हैं कि आप कहीं भी जाओ सड़कों पे पत्थर फेंकोगे तो इंडिया के बंदे के ऊपर ही गिरेगा। भाई बढ़िया है मोजाम्बिक कैसा लगता है? अच्छा लगता है। कुछ और बताओ मोजाम्बिक के बारे में थोड़ा बहुत कि लोग कैसे हैं यहाँ के, क्योंकि मगर लोग बहुत फ्रेंडली है इधर, लोग प्रॉब्लम नहीं है, बाहर बहुत बंदे सोचते हैं इधर का टेस्ट है ऐसा ऐसा सोचते हैं, अफ्रीकन पीपल से लाइवर्स कैसा होता है ऐसा नहीं है। अच्छा बंदा हम दुश्मन बनते वो भी दुश्मन होते हैं, हम अच्छा रहते वो भी अच्छा। नहीं मोजाम्बिक के लोग मैंने देखे हैं खासकर अच्छे हैं, लेकिन आप मलावी में जाओ नहीं तो अच्छे नहीं है, पता नहीं क्या दिक्कत है। चलो भाई बढ़िया ट्रिप एंजॉय करते हैं, इंडियन भाई मिल गए, बहुत दिनों से कोई बंदा नहीं मिला जिसके साथ हिंदी बोल पाऊँ मैं, मिल गए तो थोड़ी देर बातें करते हैं और प्लेन का सफर एंजॉय करते हैं। आप कहाँ पर? भाई इन्होंने कुछ खाने को दिया है देख सकते हो आप, मैंने भाई थे मेरे साथ तो इन्होंने पोर्टुगीज में उसको समझा दिया कि मैं वेजिटेरियन हूँ, इसलिए चीज सैंडविच दिया इन्होंने। बढ़िया छोटी सी फ्लाइट है, मजा आ रहा है, नीचे देखो बढ़िया समंदर दिख रहा है और काफी नदियां भी है इस देश में यार। जो भाई इंडिया से मिले थे वो तो उतर गए भाई नमपुला में, इन्होंने ना एयरप्लेन को भी बस बना रखा है, जैसे अफ्रीका में मैं आपको बताता हूँ ना बस की हालत कैसी है, हर बंदा जो रोड पे जा रहा हो ना उससे पूछ के जाए कि भाई जा रहा है चलना है चलना है बस में, तो यहाँ पर भी इन्होंने यही बना रखा है। जब मैंने फ्लाइट बुक कराई थी इन्होंने मेरे को दर ए सलाम तक का एक ही स्टॉप बताया था कि पेम्बा में स्टॉप आएगा, लेकिन यहाँ पर ये लैंड हुई है जैसे कि बस स्टॉप पर रुकी बस आप बस से उतरते थोड़ी है और वो वापस आ जाते हैं, तो प्लेन कभी ऐसे नहीं करती है कि रुकती नहीं है कभी भी, अगर आपका ट्रांजिट हो तो आपको उतरना पड़ता है और फिर अपना दूसरी प्लेन में बैठना पड़ता है। इन्होंने तो सिर्फ इसको बस बना रखा है, यहाँ रोकी कुछ पैसेंजर उतर गए और कुछ वापस चढ़ जाएंगे फिर से उड़ जाएगी। कमाल है यार, ऐसा सीन आपको अफ्रीका में देखने को मिलेगा और कहीं भी नहीं देखने को मिलेगा, कमाल है ना भाई, आपने ऐसा सीन कहीं भी नहीं देखा होगा। लोग प्लेन के अंदर आ रहे हैं और प्लेन की सफाई चल रही है, मतलब कि पैसेंजर बैठे हैं और फिर प्लेन की सफाई चल रही है फिर भी, मतलब कि जैसे आप बैठे नहीं होते कई बार कोई पोचा मारने वाला आ जाता है आपको पैर ऊपर करने पड़ते हैं, वैसा सीन हुआ पड़ा है। कमाल है यार, ऐसा सीन मेरे को लगता आपने कभी देखा होगा, क्योंकि ऐसा कहीं होता ही नहीं है यार, सिर्फ अफ्रीका में होता है, क्योंकि यहाँ पे छोटी छोटी प्लेन चलती है और इतने पैसेंजर ट्रैवल नहीं करते हैं प्लेन से, तो इसीलिए ये ऐसा तरीका अपनाते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमा सकें, लोगों का बिल्कुल भी नहीं सोचते। एयरप्लेन वाले जो कंपनी है ना वो कभी भी पैसेंजर का कभी भी नहीं सोचती, उनको अपना फ़ायदा देखना होता है हमेशा। भाई सच में बिल्कुल बस वाला हाल है, देखो जैसे कि बस स्टॉप पे बस रुकती है तो ड्राइवर क्या करता है नीचे उतर के इधर उधर घूमने लग जाता है, जिन लोगों को उस बस स्टेशन पे जानता है ना उनसे बातें करने लग जाता है, ये देखो पायलट हमारा ये जो तेल डालने आया है प्लेन में उससे बातें मार रहा है। ज़बरदस्त सीन है यार, पर लेकिन ठीक है मुझे कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है इस चीज़ से, पर लेकिन मज़ा आ रहा है आपको बताने में, क्योंकि बहुत कम लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की होगी इसलिए मैंने सोचा आपको बता दिया जाए। अभी लगभग 8:36 हो चुके हैं और 8:06 पे यहाँ पे लैंड की थी ये प्लेन, आधा घंटा लगा दिया इन्होंने और आधे घंटे का स्टॉप इन्होंने बिल्कुल कहीं पर भी मेंशन नहीं किया था। कमाल है ना, अफ्रीका में प्लेन भी बसें ही हैं यार यहाँ सच में। चलो भाई अब क्या कर सकते हैं, चलते हैं यहाँ से, लगभग आधे घंटे का और रास्ता बचा होगा मेरा, मैं पहुँच जाऊँगा पेम्बा और पेम्बा से मेरे को दूसरी प्लेन लेकर दरे चलाऊंगा।
फाइनली भाई लैंड कर गया हूँ मैं पेम्बा में। यहाँ से मेरे को दूसरी प्लेन लेनी है। इस प्लेन का एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा रहा देखो मेरे लिए। लेग स्पेस काफ़ी अच्छी थी और बढ़िया मज़ा आया। प्लेन छोटी थी लेकिन वैसे बैठने में बिल्कुल कंफर्टेबल और नॉर्मल बड़ी प्लेन से मेरे को अच्छी सीट मिली। आप सीट देख सकते हो, नॉर्मल प्लेन से बड़ी सीट है और लेग स्पेस भी ज़्यादा है। बढ़िया लगा मेरे को इस प्लेन का एक्सपीरियंस। ये देखो छोटे छोटे प्लेन भी काफ़ी खड़े हैं यहाँ पर। ऐसा दिखता है भाई पेम्बा का एयरपोर्ट। और ये हमारी प्लेन थी, अभी उतर गए हैं इससे और अभी चलते हैं पेम्बा के एयरपोर्ट के अंदर और अगली प्लेन लेंगे। ये लेडी हमें लेने आई है क्योंकि ये लाइन में चलना है इनके पीछे पीछे और फिर एयरपोर्ट के अंदर एंटर करना है। बढ़िया एक्सपीरियंस रहा। देख लो ये प्लेन तो पीछे जो खड़ा है, मज़ा आ गया। बढ़िया वेटिंग एरिया में आ गया हूँ। वो सामने ब्लू जो काउंटर दिख रहा है ना, वो इमिग्रेशन ऑफिस है। बिल्कुल छोटा सा इमिग्रेशन ऑफिस था यहाँ पर। अगर आप दरे सलाम जा रहे हो यहाँ से मोजाम्बिक से, तो आपको ये जो येलो फीवर वैक्सीनेशन कार्ड होता है ये दिखाना पड़ेगा। ये कहीं से भी आपको मिल जाता है। वैसे इंडिया में आप गवर्नमेंट ऑफिस से लगवाओगे येलो फीवर वैक्सीनेशन, वो बिल्कुल फ्री होता है, लेकिन उसके लिए आपको अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती है। उसके लिए एक अपॉइंटमेंट लेने के लिए हफ्ता लग जाता है। और अगर कोई प्राइवेट से लगवाओगे तो 3,000 रुपये का एक वैक्सीन लगेगी ये। तो आप देख लेना जैसे भी करना हो। आप अफ्रीका में लगभग कंट्रीज़ में मांगते हैं ये, तंजानिया में तो हमेशा मांगते हैं। और इन्होंने तो कुछ नहीं बोला एग्ज़िट के लिए, ना मेरे से बात की तुम जिम्बाब्वे जा रहे थे, तुम्हारी एग्ज़िट स्टैम्प कैंसिल क्यों है, कुछ भी नहीं पूछा। सिर्फ स्टैम्प लगा दी एग्ज़िट की और इन्हें कोई मतलब नहीं है। तो चलो भाई अभी टाइम हो गया है 9:42, 11:15 पे यहाँ से मेरी फ़्लाइट निकलेगी। तो एक डेढ़ घंटा मान लो मेरे पास है, डेढ़ घंटे में यहाँ से निकल जाएंगे। बस बैठ के क्या कर सकते हैं, ये एक छोटी सी दुकान है, यहाँ एक वॉशरूम है, बस इतना ही चीज़ है इस एरिया के अंदर। आप देख सकते हो सामने और यहाँ से थोड़ा बाहर का व्यू देख सकते हो। बाहर थोड़े बहुत आर्मी के हेलीकॉप्टर वगैरह खड़े हैं, वो देख सकते हो। बस चलो अब बैठ के करते हैं टाइम पास। आगे दिखाएंगे आपको जब मैं जंजीबार मतलब कि दरे सलाम में एंट्री लूँगा तंजानिया में, तब देखते हैं कि क्या रहता है, वो एंट्री देते हैं या नहीं देते हैं। वैसे तो वीज़ा ऑन अराइवल है। चलो देखते हैं, अब आगे जाके ही पता चलेगा। मोजाम्बिक से एग्जिट लेने में तो पहले भी दिक्कत नहीं आई थी, आगे ही पता चलेगा। आप ग्यारह बज के 10 मिनट हो चुके हैं और बोर्डिंग पास पे देखो 10:10 पे बोर्डिंग टाइम था और 11:15 पे प्लेन डिपार्चर टाइम लिखा हुआ है। और अभी तक इन्होंने बोर्डिंग स्टार्ट नहीं की है अभी तक। कमाल है ना, हद है यार। मेरे को आगे की एक और फ्लाइट लेनी है दरे सलाम से, उसके लिए मैं लेट हो ना हो जाऊँ इसीलिए। कमाल है यार, इनको थोड़ा टाइम की परवाह करनी चाहिए। जिनकी आगे की फ़्लाइट है वो बंदे क्या करेंगे अगर ये ज़्यादा लेट हो जाए तो चलो कोई बात नहीं, 10-15 मिनट तो चलता है। लेकिन मेरे को वैसे 10-15 मिनट की जल्दी नहीं है, अगर एक डेढ़ घंटा लेट हो गई फिर मेरे को दिक्कत हो सकती है। बोर्डिंग अभी स्टार्ट हो गई है, अभी प्लेन के अंदर जा रहे हैं। इस बार बड़ा प्लेन है, चलो देखते हैं इसका एक्सपीरियंस भी मैं बताऊँगा कैसा रहेगा। अभी तो एक प्लेन और लेनी है दरे सलाम से। मज़ा आ रहा है, आज पूरा दिन पूरा सफ़र एक से दूसरी जहाज में बीतेगा, मजा आ रहा है। बढ़िया, चलो आपको अंदर से और दिखाता हूँ ये कैसा प्लेन है। अंदर से कुछ ऐसा दिखता है प्लेन और बाहर का व्यू ये देख लो आप। और लेग रूम अगर आपको मैं दिखाऊं तो बिल्कुल थोड़ा सा लेग रूम है, देखो बिल्कुल इतना सा। और छोटी प्लेन में कितनी अच्छी सीट थी आपको दिखाई थी, ये सीट मतलब कि ठीक ठाक है। अगर 3 बंदे बैठे होंगे तो आप आपस में बहुत ज़्यादा एक दूसरे के पास में बैठते हो, अगर ज़्यादा बड़ा हैवी बंदा आ जाए तो आपके ऊपर ही बैठेगा वो भाई। इसीलिए छोटी प्लेन का एक्सपीरियंस मेरे को ज़्यादा अच्छा लगा। लेग रूम भी अच्छा था, सीट भी बड़ी थी, कम्फर्टेबल सीट। सीट तो ये भी कम्फर्टेबल है लेकिन ठीक है, देखते हैं खाना कैसा मिलता है। मैं खाने के लिए एक्साइटेड हूँ भाई। खाना प्लेन में मेरे को हमेशा पसंद है, बढ़िया अपनी कॉफी पियो, खाना खाओ, मजा आ जाता है। Flight TM460, the departure to Dar es Salaam.
Our flight to Dar es Salaam will take approximately 1 hour and 5 minutes, and we fly at an altitude of 36,000 feet. You're kind requested to fasten your seatbelt and ensure that your seat backs and tables are in the upright position. कुछ दिनों से इतना बुरा हो रहा है ना, मतलब कि अभी आपको मैंने बताया था प्लेन में बैठने कि भाई मैं बड़ा एक्साइटेड हूँ खाना खाने के लिए प्लेन के अंदर। ये देख लो भाई, चिकन दे दिया इन्होंने, और ये खाना पड़ेगा, और एक ये ब्रेड है, इसी से काम चलाना पड़ेगा, बंदा करे तो करे क्या। और इस बंदे को मैंने बोला कि भाई मैं वेजिटेरियन हूँ, I don't have anything for vegetarian। यार तुम एक प्लेन में खाना दे रहे हो, हर प्लेन में आपको दो ऑप्शन मिलते हैं, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन, ऐसा कैसे हो सकता है यार। एयरपोर्ट पे लैंड हो गया हूँ भाई, सभी लोग अपना अपना सामान निकालना शुरू कर दिया, बड़ी जल्दी करते हैं लोग यार, बड़ी जल्दी करते हैं। और ये देख सकते हो बाहर से दर ए सलाम एयरपोर्ट का नज़ारा, और सही बताऊँ ना, मतलब कि उस देश के एयरपोर्ट, मोजाम्बिक के देश के एयरपोर्ट से आप देखोगे ना, मतलब दिन रात का फर्क है। अभी हमें प्लेन से नीचे उतर के एयरपोर्ट में वॉक करके नहीं जाना पड़ेगा, सीधा हम एयरपोर्ट के अंदर घुस जाएंगे। इसको पता नहीं क्या बोलते हैं इंग्लिश में, मुझे पता नहीं, और हिंदी में भी नहीं पता इसको, लाइक डोर वे बता जो भी बोल दो। सो इसके अंदर से हम सीधा एयरपोर्ट में पहुंच जाएंगे, और इतने दिन से ये देखा ही नहीं मैंने कहीं पे भी। सबसे पहले निकलते ही ये येलो फीवर वैक्सीनेशन वाला कार्ड पूछा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया था, ये यहाँ पर पूछते हैं प्लेन से निकलते ही। और यहाँ पर अभी आपको वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म भरना है, यहीं पे लास्ट टाइम मैंने भरा था। चलो जल्दी से भर लेते हैं फॉर्म और जमा करवाते हैं फिर वीज़ा ऑन अराइवल का फॉर्म। एंट्री होगी भाई, नो क्वेश्चन आस्क एंट्री, नो कोई फ्लाइट टिकट चाहिए, रिटर्न फ्लाइट कुछ भी नहीं, कुछ एक क्वेश्चन भी नहीं पूछा, सिर्फ पेमेंट की $50, 90 दिन के लिए एंट्री तंजानिया में भाई, एक सिंगल क्वेश्चन भी नहीं पूछा। और ना यहाँ तक कि मुझे ये बोला गया कि तुम रिटर्न टिकट दिखाओ, होटल बुकिंग दिखाओ, कुछ भी नहीं, एक सेकंड भी नहीं लगा भाई ने, ठक 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 काम। ऐसे इसको कहते हैं इमिग्रेशन। सच में यार मज़ा आ गया, मेरा बैग है तो सही, वो देखो उस साइड है, वो रहा सामने बैग, पर वो इधर से घूम कर आएगा अभी, अब उसके पीछे भागना पड़ेगा मेरे को, वैसे भी कोई काम नहीं है, तो इससे अच्छा इसको घूमने दो थोड़ी देर, बेचारे को इसको भी थोड़ा मज़े लेने दो एयरपोर्ट राइड के, घूम के फिर आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, वेट करते हैं यहीं। चलो भाई अभी बाहर निकलते हैं, एक बार बाहर निकल के वापस अंदर आना पड़ेगा, क्योंकि फ़्लाइट मेरी इसी एयरपोर्ट से है दोबारा अगली, लेकिन यहाँ पर बैगेज निकलना था, क्योंकि मैंने अलग अलग फ़्लाइट बुक कराई थी, एक साथ दोनों करवा रहा था तो थोड़ी महंगी पड़ रही थी, तो इसलिए मैंने अलग अलग फ़्लाइट बुक करा ली। तो अभी चलते हैं बाहर, ये इसलिए ले लिया, वैसे तो मैं बैग उठा के ही लेके जाता हूँ, ये इसलिए लिया है क्योंकि बैग अभी गीला हो गया, बारिश आ रही थी ना, तो प्लेन से अंदर आया तो बैग गीला हो गया, इसलिए उठाऊंगा तो कपड़े भी गीले हो जाएंगे, तो इसी चक्कर में ये ले लिया। तो चलो अभी बाहर चलते हैं और एटीएम से तंजानियन शिलिंग निकलवाते हैं, और फिर चलते हैं जंजीबार आइलैंड। एटीएम से पैसे भी निकाल लिए भाई, सारे काम हो गए। अब मेरी फ़्लाइट है 4:55 पे, और अभी टाइम हुआ है 2:35, तो लगभग 2.5 घंटे के आसपास मेरे पास टाइम है। तो वहाँ पर कॉफ़ी शॉप है, उसमें बैठते हैं, यहाँ पर वाईफाई चल रहा है, तो अपना सामान भी उधर ही रखते हैं, थोड़ी देर बैठते हैं, एक कॉफ़ी पीते हैं, और फिर अपनी तीसरी आज की फ़्लाइट लेते हैं, आखिर में अपना जंजीबार पहुँच जाएंगे। और अगर इंडियन रुपये के हिसाब से बताऊँ तो मैंने इंडिया के लगभग 8,500 रुपये निकाले हैं, लगभग 8,300 कुछ के आसपास, $100 मान लो आप, और $100 के मुझे मिले हैं 2,00,000। सब काम हो गया भाई, मेरी फ़्लाइट तो टर्मिनल 2 से है, लेकिन मैं यहाँ पर बैठा हूँ, थोड़ा मेरे को काम करना है, और एक कॉफ़ी ले ली है, और जो सैंडविच लास्ट में
एयरप्लेन में दिया था वो खा लेते हैं अभी, और सब काम बढ़िया हो गया और थोड़ी देर में निकल जाएंगे, क्योंकि अभी टाइम हुआ है 3:05 और मुझे निकलना है फ्लाइट के लिए 4:55। तो 5-10 मिनट बैठते हैं यहाँ पर, कॉफ़ी वगैरह पी के, सैंडविच खा के, मेरा काम करके फिर निकल जाऊँगा मैं टर्मिनल 2 की तरफ, क्योंकि यहाँ पर वाईफाई चल रहा है। मुझे नहीं पता कि उस साइड वाईफाई चलेगा या नहीं चलेगा, इसलिए मैं बैठा हूँ। डोमेस्टिक टर्मिनल 2 तो इनका यार गंदा सा ही है, और लोग रूडली बिहेव करते हैं। रूडली तो नहीं, मतलब कि थोड़ी अक्ल नहीं है, मतलब कि हाँ पुट योर बैग देयर, गिव मी योर पासपोर्ट, मतलब कि यार इंटरनेशनल में तुम जाओगे प्यार से बात कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं प्लीज सर गिव मी योर पासपोर्ट एंड प्लीज सर पुट योर बैग हेयर एंड, और यहाँ पर पुट योर बैग देयर। मैं क्या भाई फ़र्क तो होता है यार इंटरनेशनल और लोकल का, पता नहीं क्यों। पास, बोर्डिंग पास मिल गया है आपको, दिखाऊं तो ये देखो ये बोर्डिंग पास है, और सामने देखो डोमेस्टिक डिपार्चर लिखा हुआ ना, यहीं से जाना है। और दर सलाम टू जंजीबार, बोर्डिंग टाइम है 4:25, तो अभी थोड़ा ही टाइम बचा है, चलते हैं। कुछ ऐसा है टर्मिनल 2, बिल्कुल साफ़ सुथरा नहीं है बिल्कुल, मतलब ऐसा लगेगा आपको कि बहुत पुराना, बिल्कुल ऐसे मतलब कि सफाई भी नहीं गई, झाड़ू भी नहीं मार रखी, ऐसा लगेगा बिल्कुल। वीडियो में नहीं दिखेगा पर पता नहीं क्यों, मतलब कि ये टाइल्स वगैरह ना ऐसे लग रहा है कि बिल्कुल झाड़ू भी नहीं मारी हुई, देखो कोने में जैसे बस स्टैंड हो कोई, एयरपोर्ट लग ही नहीं रहा बिल्कुल भी। लो भाई फाइनली आप अपनी प्लेन की तरफ चल चुके हैं, वो नीचे अपना प्लेन खड़ा है छोटा सा, बिल्कुल छोटा सा लग रहा है, देखते हैं कैसा एक्सपीरियंस रहता है। आज के दिन में मैं दूसरी बार छोटा प्लेन ले रहा हूँ, दिन में क्या कुछ घंटों में, और पूरी लाइफ के 25 सालों में मैंने आज तक कभी छोटे प्लेन में नहीं बैठा, और कुछ घंटों में 2 बार बैठ गया, कमाल है ना। तो कुछ चीज़ों का टाइम होता है ज़िंदगी में, वो उसी टाइम पे आती है, तो इसीलिए जो चीज़ नहीं मिल रही, अब नहीं मिल रही उसके लिए कभी दुखी नहीं होना चाहिए। अब मैं जिम्बाब्वे नहीं जा पाया, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, अब आप ये मत समझना मैं अपने दिल को दिलासा दे रहा हूँ, बस जो है वो चीज़ है यार, नहीं दी एंट्री, नहीं दी, अब क्या कर सकते हैं, अगर दी होती तो भी क्या हो जाता। अभी सब कुछ खुश रहना चाहिए, सब कुछ छोड़ दो, सारी चीज़ें ऐसी चलती रहेगी, जिंदगी में से परेशानियाँ कभी ख़राब नहीं होगी भाई, मौज लो और रोज लो। और ये देख लो भाई, आपको एक बार फिर से दिखा देता हूँ, बिल्कुल छोटा सा प्लेन है अपना, और प्रिसीजन एयर कंपनी का नाम है। चलो अभी चलते हैं, यहाँ से उतर के पैदल चल के जाना पड़ेगा, देखो सारे लोग लाइन में लगे हुए हैं ना, मैं इसीलिए लास्ट में निकलता हूँ क्योंकि लोग लाइन में लगे रहते हैं एयरपोर्ट में, और यहाँ तक कि प्लेन के अंदर भी, कभी भी आपको जाना हो ना सब लोग खड़े होकर अपने लाइन में चले जाएं, जब बिल्कुल एंड में कोई ना बचे ना तब खड़े होके जाया करो अपनी सीट से, नहीं तो प्लेन में खड़ा रहना पड़ेगा और आसपास के लोग भीड़ में खड़ा रहना पड़ेगा, इससे अच्छा यहाँ पर आराम से बैठे रहो, 5-10 मिनट लेट जाओ, प्लेन तो उड़ेगा, अगर आपने बोर्डिंग पास ले लिया ना तो आपको छोड़ के नहीं जाएंगे, लास्ट में आवाज़ तक भी मारेंगे, इस प्लेन का कोई पैसेंजर रह गया है तो वो प्लेन निकल रही है, तो आप टेंशन मत लिया करो, कोई दिक्कत नहीं आती कभी, अगर आपने बोर्डिंग पास लिया हुआ है तो आपकी प्लेन नहीं छूटेगी कभी भी। ये अपना छोटा सा प्लेन, चलते हैं इसमें, प्रिसीजन एयर का पहली बार बैठ रहा हूँ इस एयरलाइन में, आज तक पहले कभी नहीं बैठा, चलते हैं अंदर। छोटे प्लेन में मज़ा आता है यार मेरे को, बड़े प्लेन में तो बस वैसा ही नॉर्मल सी प्लेन लगती है, ऐसे लगता है कि बैठे हो बस हवा में उड़ गए, छोटे प्लेन में थोड़ा फील होता है, लगता है कि सच में उड़े हो। हेलो, अगर सही बताऊँ ना तो भाई इतनी गर्मी है, ये देखो इतनी गर्मी है, एसी भी नहीं चल रही है, ऐसा प्लेन है, और सब लोग देखो पंखा इस चीज को हिला रहे हैं, इससे हवा ले रहे हैं, ऐसे ऐसे आपको 2 बंदे तो मैंने दिखाई दिए, तो इसका मतलब मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, कहीं आपको लगता होगा कि मैं ऐसी मर्जी से, आपको कौन सा पता चल रहा है गर्मी है या नहीं, सच में गर्मी है देखो। कमाल है यार, मतलब अमरीका में कुछ अलग ही चल रहा है ना, यहाँ पे कभी छोटे प्लेन में कोई झाड़ू पोछा मारने आ जाता है, यहाँ पर एसी नहीं चल रही, मतलब सच में ऐसा लग रहा है कि एसी, बस का एसी खराब हो जाए ना और खिड़कियाँ बंद हो, बिल्कुल वैसी फीलिंग आ रही है, बिल्कुल वैसी। सिर्फ आधे घंटे की मेरी फ़्लाइट है, तो चलो बिना एसी के काम चल जाएगा आधे घंटे पर, लेकिन लंबी फ़्लाइट होती तो भाई दिक्कत हो जाती।
प्लेन रुकता ही इन्होंने प्लेन बंद कर दिया और एसी बंद कर दी। जो लोग आगे जो नैरोबी जा रहे हैं ना, वो लोग अंदर बैठे हैं बेचारे और बिना एसी के। ओके थैंक यू। चलो भाई सबसे पहले आपको दर्शन करा देते हैं जंजीबार आइलैंड के। ये अपना छोटा सा प्लेन था, बिल्कुल सफर ऐसे लगा कि मतलब कि 5 ही मिनट का सफर है, बैठे और उतर गए, बिल्कुल पता ही नहीं लगा कि कब सफर निकल गया। पीछे अगर आपको दिख रहा हो तो वहां पर जंजीबार का झंडा लगा हुआ है, और तंजानिया का और जंजीबार का झंडा अलग अलग है, क्योंकि जंजीबार भी पहले एक देश हुआ करता था, अंग्रेजों का राज था यहाँ पर। और अगर इसकी हिस्ट्री के बारे में जानना है तो मैंने एक रील बना रखी है इंस्टाग्राम पे, मुझे फॉलो कर लो इंस्टाग्राम पे, मैं बढ़िया बढ़िया रील बनाता हूँ और उस पर हिस्ट्री भी बताता हूँ जिस जिस देश में मैं जाता हूँ, तो वहाँ पर जाके फॉलो करो और देखो वो रील, अगर पसंद आए तो उसको लाइक कर देना। ये एंट्री होगी है एयरपोर्ट के अंदर, काफ़ी ठीक ठाक है एयरपोर्ट एक आइलैंड के हिसाब से देखा जाए तो। सब लोग लाइन में लगे हुए हैं अपना अपना बैग लेने के लिए। और अगर आपको मैं बताऊं, ये जो काउंटर आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पर आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। ज़रूरी नहीं है कि आपको तंजानिया दर सलाम में एंट्री लेनी पड़ेगी डायरेक्टली, नहीं ऐसा नहीं। आप यहाँ पर जंजीबार डायरेक्टली आते हो तो यहाँ पर भी वीज़ा ऑन अराइवल ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। क्योंकि यहाँ पर मेरे को काउंटर दिख रहे हैं, वो देखो वीज़ा ऑन अराइवल आपको अगर पीछे दिख रहा है तो लिखा हुआ। तो चलो अभी अपना बैग उठाते हैं और निकलते हैं यहाँ से जल्दी से, मेरे को बस लेकर पहुँचना भी है पाजे बीच, जो कि यहाँ से 1-1.5 घंटे का दूर रास्ता है। और अभी 5:30 हो गए हैं, 5:28 हुई है मेरी फ़्लाइट, जल्दी पहुँच गई है टाइम से। स्वागत है आपका जंजीबार आइलैंड पे। यहाँ पर आपको लोग बड़े तंग करेंगे टैक्सी टैक्सी के नाम पे, आपको किसी के पास नहीं रुकना है, डायरेक्टली सिर्फ बाइक टैक्सी ढूंढनी है या फिर ऑटो टैक्सी ढूंढनी है और उसको बोलना है कि अगर पाजे बीच जाना है तो उसको बोलो कि मुझे बस स्टेशन छोड़ दे, जहाँ से पाजे की बस मिलेगी। तो भाई चलते हैं बाहर और जल्दी से इस भीड़ में से निकलते हैं, क्योंकि यहाँ पर लोग तंग कर लेंगे आपको, इसीलिए आपको बिल्कुल भी इनके साथ बात नहीं करनी है। क्योंकि एक तो कैमरा हो ना आपके हाथ में तो लोग वैसे ही आपके पास नज़दीक नहीं आते, और इतना थोड़ा फ़ायदा हो जाता है कैमरा का, ये देखो भाई पीछे पीछे आ रहा है ना, ऐसे आपको तंग करेंगे, आपको इग्नोर करना है, मैंने सीख लिया है भाई, इतनी कंट्रियों में ट्रैवल करके इग्नोर करना ही नहीं आएगा आपको, तो कोई फ़ायदा नहीं है ट्रैवल करने का। हाउ आर यू? गुड गुड। I want to go to the bus station where I can find a bus for Paje. How much you gonna charge me? 5,000 is $2. This is the price for everyone, not for white people. Okay. Let's go. भाई मेरी किस्मत ही ख़राब है, सही बताऊं बस में बैठा और अभी बस स्टार्ट नहीं हो रही है और अभी सब लोग उतरने लग गए हैं वापस। ये देखो ये सभी उतर रहे हैं ताकि दूसरी बस में जा सके, क्योंकि ये तो स्टार्ट नहीं हो रही है। अब सीट खाली होगी, पहले भरी हुई थी बस, जगह ही नहीं थी कहीं पे भी भाई, अब देखो क्या करेंगे। किस्मत खराब नहीं है, किस्मत सही है। क्या हुआ कि अभी है ना बस चली नहीं, स्टार्ट नहीं हुई ना, तो सब क्या किया उतर के नीचे चले गए, और उतर के नीचे चले गए, बस खाली होगी इतने में ये स्टार्ट होगी, भाई मेरे को सीट मिल गई। ये जो बंदा खड़ा है ना ये मेरी सीट पे बैठा था। ओ भाई मेरे को बड़ी हंसी आ रही है, सही बताओ। ओ भाई 3 प्लेन बदल के हाल देखो, अब कहाँ कैसी बस में आ गया हूँ, कहीं तो हवा में उड़ रहा था और अब देखो बिल्कुल जमीन पे आ गया हूँ। ओ भाई सच में बड़ा सीन हो गया, बहुत से लोग उतर गए थे, आपको दिखाया ही थे हमारे वीडियो में, और अब सारे बेचारे भाग रहे हैं। मैंने थोड़ी सी वेट की, मतलब सिर्फ 5 सेकंड की, मैं गेट के पास तो पहुंच गया था लेकिन उतरा नहीं, इतने में स्टार्ट होगी, मैं जल्दी से भाग के आगे बैठ गया सीट पर, विंडो सीट भी मिल गई, पहले बड़ी गर्मी थी यार।
अभी चलते हैं, आपको फाते बीच अगली वीडियो में ही दिखाएंगे, क्योंकि ये पहुंचेंगे इतने में तो अंधेरा हो जाएगा। इस वीडियो को यहीं खत्म करते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दो, और चैनल को कर दो सब्सक्राइब। 50,000 वाला टारगेट याद रखना मेरा, 1 साल, अभी 9 महीने हुए हैं मेरे को अफ्रीका में, 9 महीने बाद मैं फिर से वहीं आ गया जहाँ से शुरू की थी जर्नी। पर कोई ना, आपको 3-4 नए देश और दिखाएंगे, अभी मेरे मन में प्लान है एक, पर अभी 3-4 महीने बचे हैं अभी 1 साल पूरा होने पे, तो जल्दी कर दो चैनल को सब्सक्राइब, और अफ्रीका की ट्रिप के बाद कहीं और चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो बाय बाय, अब मिलते हैं अगली वीडियो में, और जय हिंद।